अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगरचे इस वीडियो में पहले तो हमने बात करनी है कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके मुताबिक बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इस बात करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातों के बारे में बताऊंगा। एक तो ये कि जैसे जैसे वैक्सीन के करीब आने का टाइम आ रहा है, अगरचे पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा खुशी से इसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में जो अफवाहों का बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और इन अफवाहों का जो मरकज़ होता है वो मरकज़ हमेशा इनका होता है वेस्ट के कुछ डॉक्टर्स या वेस्ट के कुछ लोग जो कि ये साजिशी थ्योरियाँ बनाते हैं। इसकी वजह ये है दोस्तों कि वेस्ट में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जब तक आप कोई कानून बड़ा नहीं तोड़ते तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको इजाज़त देती है कि आप कोई भी बात वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की इन मन घड़त बातें जो होती हैं, जो वैक्सीन के ख़िलाफ़ होती हैं, उनको वहाँ पर कोई नहीं सुनता, कोई लिफ्ट नहीं करवाता। इसकी आप मिसाल यहां से समझ लें कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे, या इसके अलावा जो अरब कंट्रीज भी हैं जहां पे वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं, तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं बना जो वॉलंटियर्स हैं या रज़ाकार हैं उनको इकट्ठा करने में या उनको पूरा करने में, चाहे वो 30,000 थे, 40,000 थे या 40,000 से ज़ायद थे, तो वहाँ पे फ़ौरी तौर पे वॉलंटियर्स मिल गए। अगरचे इन ममालिक की जो आबादी है वो पाकिस्तान की आबादी से कम है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप गौर करें कि इन अफवाहों का कितना ज़्यादा असर पाकिस्तान के सादा लोग लेते हैं, कि आज तक पाकिस्तान में जो 8 से 10 हज़ार वॉलंटियर्स का इकट्ठा होना था फेज़ 3 के ट्रायल के लिए, जो कि वैक्सीन के ट्रायल पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उसमें भी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान से अगरचे इस तरह की आवाज़ें नहीं उठती, उसकी वजह कोई ये नहीं है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, बल्कि पाकिस्तान में जब शुरू के दिनों में ये कहा गया था कि पाकिस्तान में कि कोई वायरस नहीं है, ये बातें हैं, तो फिर पाकिस्तान वेयर अपडेट किया, यानी उनको किसी हद तक समझाया, तो फिर लोगों ने कभी ऐसे बातें नहीं की। तो अब अगरचे लोग वैक्सीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो बाहर के डॉक्टर्स हैं या बाहर के जो कुछ लोग होते हैं उनकी जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं वो सर्कुलेट करती हैं, जिससे लोग एक कशमकश का शिकार नज़र आते हैं। क्योंकि दोस्तों जहन में रखें कि मैं खुद, आप दोस्त मुझे अक्सर वीडियोज़ भेजते रहते हैं, तो जब मैं ऐसे डॉक्टर्स की जिनका ताल्लुक बाहर के ममालिक से है और उनकी ऐसी वीडियोज़ सुनता हूँ जिसमें वो बताते हैं कि वायरस तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर मुझे याद आते हैं इस साल के मई और जून के वो दिन जब आईसीयू में काम करते हुए मैंने अपनी 10 साल आईसीयू की ज़िंदगी में ऐसे हालात देखे जो मैंने आज तक आप लोगों से शेयर इसलिए नहीं किए हैं कि मकसद किसी भी सूरत आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन वो ऐसे हालात थे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एज ए डॉक्टर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीयू में काम करने वाले तमाम लोग जानते हैं, मैं सिर्फ अभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि जब पाकिस्तान में सर्दियाँ आती हैं तो पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन होती हैं वो फैलती हैं ज़्यादा, और वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है या जिनको कोई बीमारियां होती हैं तो वो अक्सर इसका शिकार होकर आईसीयूज़ में आते हैं, और हर सर्दियों में आईसीयूज़ भर जाते हैं। लेकिन गर्मियों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो बीमारियां जिनके साथ इस साल मई और जून में लोग दाखिल हुए, तो ये जाहिर है कि एक ही इसकी वजह थी जो कि कोरोना वायरस था। और इसके अलावा भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपने घर का भी, कि मेरी अपनी फैमिली के, मतलब मेरे दो भाइयों और वालदा और अंकल समेत तकरीबन 4 से 5 लोग जो हैं इसका शिकार हुए, और उनमें से जो एक हैं उनको नुकसान भी हुआ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए। तो इसलिए मुझे कभी भी 1% भी शक नहीं रहा कि वायरस के बारे में किसी भी किस्म का, और इस बारे में भी कि वैक्सीन के बारे में भी। दोस्तों आपको समझाने के लिए एक आखिरी मैं बात बताता हूँ, इसके बाद मैं फिर एक खुशखबरी सुनाऊँगा जो कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन के बारे में है। वो मिसाल ये है दोस्तों कि अभी 2 दिन पहले जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो सेंट्रल अफ्रीका का एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पे जो इबोला की जो 11वीं वबा थी, एपिडेमिक थी, उस पर काबू डाल लिया गया है। उसमें अगरचे कुछ लोगों की अमवात हुई हैं, लेकिन वहाँ पे 45,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो और ये वैक्सीन जो है ये 19 दिसंबर 2019 को अमेरिका में इसका इजरा हुआ था, और ये वही वक्त था जब दुनिया में जो कोरोना है ये ज़ाहिर होना शुरू हो चुका था आहिस्ता आहिस्ता, ख़ास तौर पे चाइना में। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है इबोला की, ये 45,000 लोगों को लगी है,
जिसके बाद जो कांगो है वहाँ पे इबोला के ऊपर काबू डाला गया है इस एपिडेमिक के जो 11वीं एपिसोड है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इबोला की ये जो वैक्सीन है इसको स्टोर किया जाता है -80 डिग्री पे, यानी -80 डिग्री का मतलब है ये फाइजर का ही टेम्परेचर है, और इसको स्टोर करने के लिए वहाँ पे एक आर्कटिक फ्रीजर्स होते हैं, ये आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अगरचे कांगो में बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है क्योंकि वो रेनी फॉरेस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे ये वैक्सीन लगाई गई 45,000 लोगों को, उस मुल्क में बिजली नहीं होती और इसको स्टोर किया जाता है -80 डिग्री पे 15 दिन के लिए इन आर्कटिक फ्रीजर्स के अंदर। तो इसलिए एक वैक्सीन वजह बनी वहाँ पे एपिडेमिक को कंट्रोल करने में, लेकिन लोग इस पे क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि एक वो गरीब मुल्कों में शुमार होता है। तो इसलिए आप इस तरह की कोई बातों को तवज्जो मत दें जो आपको ये समझाते हैं कि ये वैक्सीन एक प्रॉब्लम है, और ये आप लोगों को बाकी दुनिया की तरह इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि वैक्सीन ही इस पेंडेमिक से बाहर निकलने का एक ज़रिया है। और आप अपने जो मुख्तलिफ सवाल हैं, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं हर सूरत कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन तमाम के जवाब दूँ जो के अंदर शकूक पैदा करते हैं। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, जो लैंसेट का दी लैंसेट एक मेडिकल का जर्नल है जो बहुत एक काबिले एतबार जरीदा है, उसने फेज़ वन और फेज़ टू के जो पीर रिव्यूड यानी जिन एक्सपर्ट लोगों ने उसका एनालिसिस किया था, उसके रिज़ल्ट को शाया किया है, और ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। और उन्होंने बताया है कि जो वो तमाम लोग जिनकी उम्र 65 ईयर से भी ज़्यादा थी और 70 साल से ज़्यादा थी, तो उन तमाम लोगों में बहुत अच्छा जो इम्यून रिस्पांस है वो जनरेट किया है, वो पैदा किया है इस ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने। क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है इसका नाम है ChAdOx1nCoV-19, यानी CH से बनता है चिंपैंजी, और एड का मतलब है एडीनो वायरस, और ऑक्स से बनता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और nCoV-19 वो वायरस का नाम है जो कोरोना। क्योंकि इस वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो चिंपैंजी जो होता है उसके अंदर जो फ्लू करता है वायरस, जो एडीनो वायरस, उसको अधमुआ किया जाता है पहले, फिर उसके बाद कोरोना वायरस के जो जेनेटिक मटीरियल है उसमें से वो हिस्सा जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है, तो उस जेनेटिक मटेरियल को डाला जाता है एडीनो वायरस के अंदर, और उसको वैक्सीन की शक्ल में हमें इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है। इसकी दो डोजेज़ होती हैं, और फिर इसके लगाने के बाद उन्होंने क्या किया कि ज़ीरो यानी कि उस दिन और उसके एक हफ़्ते के बाद, दो हफ्ते बाद और चार हफ्ते के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉलंटियर्स में चेक की। तो ये जब वायरस एडीनो वायरस इस मटेरियल को लेके जाता है हमारे जिस्म में, तो हमारे सेल्स तैयार करते हैं स्पाइक प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस की होती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम उन स्पाइक प्रोटीन को पहचान के कि ये तो एक बाहर की चीज़ है, तो उसके खिलाफ बनाते हैं एंटीबॉडीज़, और वो रहती हैं हमारे जिस्म में, और जैसे ही जब फ्यूचर में हमें कभी कोरोना वायरस का सामना होगा तो वो उनको मारेंगी। ये है इसका तरीका काम करने का। लेकिन इसको जो रेफ्रिजरेटर का आम टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री, उस पर इसको सेव किया जाता है। और इसकी जो इसका यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि जो बर्तानिया है उसने 100 मिलियन यानी 10 करोड़ जो वायल्स हैं इनका जो एक पहले ही उस ऑर्डर दिया हुआ है अपनी वहाँ के लोगों के लिए। और इसी तरह जो ये हैं मतलब जो बाकी वैक्सीन हैं जिसमें फाइज़र है, जिसमें नोवोवैक्स एक वैक्सीन है जिसका तकरीबन 6 करोड़ का ऑर्डर है बरतानिया का, और इसी तरह से जो फाइज़र है उसका है सिर्फ 40 लाख का, तो फाइज़र का, और जो मॉडर्ना का है वो 50 लाख का है। और जो ये मुख्तलिफ ये बताने का मकसद है एक रफ सा असेसमेंट कि बरतानिया का पहले ही प्लान है कि इतनी सारी वो वैक्सीन अपनी सिर्फ जो आबादी उनकी कितनी है 6 करोड़ और 78 लाख, लेकिन उनका प्लान ये है जो अभी वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होंगी तो अपने 2 करोड़ 20 लाख उन लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनकी जिनको कोई और बीमारियाँ हैं तो उनको वो वैक्सीन लगाने का उनका इरादा है पहले मरहले में। और यहाँ इससे मुतलिक वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, वो लोगों को हायर करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये होगी कि जैसे ही वैक्सीन उनको अवेलेबल होती है तो वो कम से कम अपनी इस 2 करोड़ और 20 लाख लोगों को अपनी पूरी आबादी में से ज़रूर वैक्सीन लगा दें, ताकि वो लोग जिनको कोविड की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो उनको वो महफूज रख सकें इस पेंडेमिक में होने वाले नुकसान से। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है इस वीडियो से कि एक तो जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो हमेशा से अब अच्छी खबरें
आ रही हैं इस पूरा हफ्ता में कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा कारामंद हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इससे पहले जो खबरें थी वो थी 18 से 55 साल के लोगों के दरमियान, लेकिन अभी आ रही हैं 65 से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वैक्सीन से मुतालिक, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं कम्प्लीटली प्रैक्टिकली इस काम में हूं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके तमाम वो भी सवालात जो मैं वीडियो में नहीं बात कर सकता तो मैं आप लोगों से बात करूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।